रमजान के आखिरी शुक्रवार को बांदा में भी मुस्लिमों ने जोशो खरोश के साथ अलविदा की विशेष नमाज में शामिल होकर जुमे की नमाज अदा की और नमाखों से मुल्क के अमन अमन के कायम रहने की दुआ मांगी। बांदा की नवाबी जामा मस्जिद सहित शहर की दर्जनों मस्जिदों में हजारों की तादाद में नमाजियों का हुजूम उमड़ा रहा। इस मौके पर जिला प्रशासन ने सुरक्षा और सफाई व्यवस्था चाक चौबंद रखी। आपको बता दें कि मुस्लिम दिनों में रमजान के महीने का सर्वाधिक महत्व है। माह रमजान में मजहब इस्लाम के मानने वालों पर 30 दिन के रोजे फर्ज हैं और इस माह मुस्लिम अपनी सभी बुराइयों को त्याग कर अपने रब की खुशी के लिए सूर्योदय से पहले खाना पीना बंद कर इबादत करते हैं और सूर्यास्त के बाद ही इफ्तार करते हैं। रमजान के महीने की इबादत को इस्लामी जगत में खास फजीलत हासिल है और माह रमजान के आखिरी शुक्रवार को अलविदा रमजान के तौर पर मुसलमान देखता है और इस दिन खास जोश के साथ इबादत करता है। बांदा में भी आज नवाबी जामा मस्जिद समेत सभी मस्जिदों में हजारों मुसलमानों ने एक साथ नमाज अदा की और मुल्क की तरक्की और हिफाजत के लिए अपने रब से दुआएं मांगी। तिंदवारी बांदा से ब्रजेश अवस्थी संजय की रिपोर्ट। रमजान मुबारक हर साल में एक 12 महीनों में से एक महीना रमजान शरीफ का आता है, जिसे रमजान शरीफ कहते हैं, जिसमें मुसलमान मर्द और औरत पर दोनों पर रोज़ा रखना फ़र्ज है। रोज़ा रखने के लिए क्या क्या करना ज़रूरी है? रोज़ा रखने के लिए सहरी करना बहुत ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब तक सहरी नहीं किया जाए जब तक तो मुसलमान का रोज़ा फाका हो जाता है। रमजान के मुबारक महीने में अलविदा का क्या महत्व है? रमजान शरीफ हर एक महीने में सबसे आखिरी जुमा जो आता है उसे अलविदा जुमा कहते हैं। इसी में मुसलमान भाई सब लोग इकट्ठा होते हैं मस्जिद पे और दुआ होती है, फिर दुआ इमाम साहब कराते हैं, फिर लोगों की दुआएं कबूल होती है, फिर आपस में गले मिलते हैं। यही महत्व है अलविदा जुमा का। रमजान मुबारक का ये महत्व है कि रमजान मुबारक एक महीने के होते हैं, ये अल्लाह की दी हुई नियामत है। इस माह मुबारक में जो आदमी 15-15.5 घंटे का रोज़ा रखता है अल्लाह उससे बहुत खुश होता है और रोज़ा बुराइयों से बचाता है। रोजे से इखलाक पैदा होता है, रोजे से मोहब्बत पैदा होती है, रोजे से एक दूसरे को लोग गले मिलते हैं और रोज़ा खाली मुंह का नहीं है, रोज़ा हाथ पैर का है, नज़र का है, हर चीज़ का होता है। रोज़ा रखने के लिए क्या क्या ज़रूरी है? रोज़ा रखने के लिए कुछ ज़रूरी है, रोज़ा रखने के लिए अपना ईमान मुकम्मल होना चाहिए, गलत अमालों से बचना चाहिए। अच्छा, रोज़ा एक महीने तक रहा है, आपका दिन कैसा गुजरा है? रोज़ा मैं एक महीने से रख रहा हूँ, मुझे रोज़ा बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे रोज़े से कोई भी परेशानी नहीं है और जैसे मैं रोज़ का कार्य करता हूँ वैसे ही काम कर रहा हूँ। रोज़ा बहुत अच्छा है, जो लोग रोज़ा रख रहे हैं वो बहुत खुशनसीब है, अल्लाह ताला उनकी जिस ताकत दे और वो लोग रोज़ा खूब रखें, उनको जिस्मानी ताकत दे, उनको दे और ईमान की मजबूती और सलामती।